नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ब्लाइंड 24 में आपके साथ पूजा। अब इस बात मौजूद में हूँ मैं सोनो से। कुछ बच्चे में प्रयास करूँगी बात करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए। पढ़ाई करते हो? हाँ। अच्छा, किसके द्वारा पढ़ाई करते हो? डॉक्टर से। क्या हुआ डॉक्टर का नाम? ये जैकेट किसने दिया? अच्छा, यहाँ पे मन लगता है तुमको? तुम्हारा नाम क्या हुआ? वो रमेश। अच्छा, और बताओ, पढ़ाई कर रहा है? हाँ। ये जैकेट किसने दिया? ये डॉक्टर का है। कौन सा डॉक्टर दिए? ये सोनू का। सोनू का डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। और ये जब मन लगता है यहाँ पे, डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। सर, ये दोनों बच्चे आपको कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके चैनल को ढेर सारी 9 साल की बधाई देता हूँ। देखिए, एक बहुत इंटायर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गांव है, सिद्धेश्वरी गांव है। उस सिद्धेश्वरी गांव में जब मैं गया कंबल वितरण करने के समय, तो इन बच्चों को देखा तो लोगों ने गांव का कहा कि ये बच्चा का ना पिताजी ना माँ कोई इस टाइप की नहीं, और ये बच्चा डेली कभी उनके घर काम करता है, कभी उनके घर काम करता है, कभी उनके घर काम करता है। तो मैंने कहा था कि बच्चे को उठा लिया, और उसी दिन से ये संकल्प लिया कि ये दो बच्चे जिस तरह से इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप को खोया है और जिस तरह से तकलीफी में ज़िंदगी गुजारा है, क्योंकि बचपन में मेरा भी पिताजी इस दुनिया से चले गए, माँ भी चली गई, हमें परिस्थिति पता है कि इसमें क्या होता है। इन बच्चों को लेकर आने का और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी मंशा है कि अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई किया जा सके, अच्छी संस्कार दी जा सके, क्योंकि ये भी एक समाज का एक पार्ट है, ये भी किसी का बच्चा ही था, और ये बच्चा आज दूसरे के यहाँ काम करता है तो खाना मिलता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बच्चे को अडॉप्ट करनी चाहिए, और बहुत जल्द 2023 में मेरे तरफ से एक सौगात इस क्षेत्र को मिलेगा कि बाल आश्रम के लिए एक जगह बनाई जा रही है, जिसमें नन्हे मुन्हे वैसे बच्चे की जिनका कोई नहीं है, जो स्ट्रीट बच्चे हैं, जो स्टेशन पर है, जो इधर उधर बच्चे हैं, उनको हम अपने यहाँ लाकर खाना पीना देकर पढ़ाई लिखाई देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा 2023 का स्कीम है।